Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता था कि हमारा अमेजोन का लेक्चर स्टार्ट था, तो उस दिन मैंने आपको इंट्रो दिया था। आज इसका फर्स्ट लेक्चर जो है प्रोडक्ट हंटिंग, वो मैं आपको बताऊंगा कि अमेजोन पर जो भी प्रोडक्ट हमने सेल करनी है वो कैसे ढूंढनी है। उसमें यह है कि भाई कि अमेजोन पर जो प्रोडक्ट सेल करनी है वो कैसे ढूंढनी है, टूल्स होते हैं, कुछ क्राइटेरिया होता है। पहले मैं आपको क्राइटेरिया बताता हूँ, फिर मैं आपको टूल्स का बेसिक यूज़ बताता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। ये तो ये देखें, ये US मार्केट का है। हर मार्केट का डिफरेंट होता है, पर ये नहीं है कि ये 100% यही है। अगर किसी ने भी प्रोडक्ट ढूंढनी है तो इसी के मुताबिक ढूंढेगा, ये नहीं है। ये एक बेसिक क्राइटेरिया जो US मार्केट में अप्लाई होता है। बाकी ये क्लाइंट टू क्लाइंट, कंट्री टू कंट्री वेरी भी करता है। इसमें देख लें प्राइस $3 to $20, ये मैं आपको अमेजोन पर ओपन करके बताता हूँ। अगर आप कुछ भी ओपन कर लें, ये देखे मैंने सनग्लासेस एंटर किया और ये आगे इसने रिजल्ट निकाल के दे दिया मुझे। ये प्राइस लिखी आ रही है, ये देखें $21.74, ये $16 राउंड ऑफ, ये 15, ये इनकी प्राइस वगैरह आ गई। ओपन कर लेते हैं। नेट का इशू है, प्राइस मैंने आपको दिखा दी, ये $16 प्राइस ये होगी। ये क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी है, उसके बजट के हिसाब से। कोई कहेगा मैंने $10 तक प्रोडक्ट ढूंढनी है, उसका बजट कम होगा, कोई आपको लिमिट ही नहीं देता, कहता कि विनिंग प्रोडक्ट मुझे दो। तो ये एक बेसिक सा क्राइटेरिया, बाकी क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी भी करता है। फिर रेवेन्यू फ्रॉम टॉप 10 सेलर्स, एटलीस्ट 50% शुड बी हैव 5K रेवेन्यू। प्रोडक्ट डिजाइन एंड टाइम शुड बी सिमिलर फॉर एटलीस्ट 50% प्लस सेलर्स। ये देखें, जो जब भी कोई प्रोडक्ट ढूंढते हैं ना, तो कोई 10 सप्लायर्स जो होते हैं ना, 10 उनको हाईलाइट करते हैं, उनके प्रोडक्ट्स देखते हैं, तो उनमें कह रहे कि जो 50% है ना, वो $5,000 से कम ये इनका रेवेन्यू हो, कि वो एक जो से प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं उससे ना 5,000 का रेवेन्यू कमा रहे हो पर मंथ। और जो प्रोडक्ट का डिजाइन है और टाइप है, अगर कोई भी, जैसे मैंने सनग्लासेस ही सर्च की थी, तो सनग्लासेस ये देखें, मैं बैक जाता हूँ, ये सारी पर्पस इन सबका सेम है, डिजाइन में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है। ये देखें, इसका ये स्टील का लग रहा है, ये इसका प्लास्टिक टाइप का है, ये थोड़ी बच्चों स्टाइल में आ जाती है, ये वुमेंस लिखा हुआ है। बाकी ये डिजाइन तकरीबन सबका ही सेम है। नीचे देख लें आप, ये देख लें डिजाइन थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी पर्पस सेम ही है। फिर रिव्यूज फ्रॉम टॉप 10 सेलर्स, देयर शुड नॉट बी मोर देन 4 to 5 सेलर विद 1K प्लस रिव्यूज। रिव्यूज होते हैं जो प्रोडक्ट के नीचे कमेंट होते हैं। कोई भी ओपन कर लें, ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ गई इसकी, ये देखें कस्टमर क्वेश्चंस एंड आंसर, ये क्वेश्चन आर देयर फोटोक्रॉप मी, नीचे इसने आंसर, ये रिव्यूज होते हैं। ये हर किसी ने अपने मतलब का, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द फ्रेम, ये इसने आंसर दिया हुआ, ये रिव्यूज होते हैं। ये टूल्स में जाके आपको पता चलेंगे कहाँ पे ये इसका टोटल लिखा होता है, इसके कितने रिव्यूज हैं। फिर रिव्यूज हो गए, जो कमेंट्स होते हैं क्वेश्चन ने क्वेश्चन आंसर होता है, वो 1K प्लस रिव्यूज ना हो, 4 से 5 सेलर है ना, 1,000 प्लस रिव्यूज ना हो। फिर सेल्स एवरेज JSK शुड बी अराउंड मिनिमम 200,
जो ऐसा जंगल स्काउट ये भी टूल है, ये मैं आपको बताता हूँ आगे, ये भी मैं आपको सिर्फ इसका इंट्रो दे रहा हूँ। मिनिमम 200 मतलब कि ये महीने में कम से कम 200 सेल जंगल स्काउट के मुताबिक होनी है। फिर रिव्यू रेटिंग एटलीस्ट 70% ऑफ द सेलर फ्रॉम द टॉप 16 शुड हैव अ 5.5 और हायर रेटिंग। रेटिंग वो जो स्टार्स होते हैं ये देखें, 5 स्टार 65% है, 4.4 आउट ऑफ 5 ये इसका एवरेज है, 1 स्टार भी 4% है, 1 स्टार दिया हुआ है, 2 स्टार 3% ने दिया हुआ है, ये इसकी रिव्यूज रेटिंग है। रिव्यूज रेटिंग होते हैं जो स्टार्स होते हैं, इसकी अभी 4.4 है। और जो रिव्यूज होते हैं वो क्वेश्चन आंसर है जो मैंने आपको ऊपर बताए थे ये वाले, ये देखें सी मोर आंसर क्वेश्चन 49 तीन चार ये हैं, तकरीबन 50-55 बनते हैं रिव्यूज, और रिव्यूज रेटिंग 4.4 ये मैंने हमें आपको खोल कर दिखाया, बाकी जो प्रोडक्ट फाइंड करेंगे सब देखेंगे। फिर हीलियम 10 ये भी टूल है, हीलियम 10 सर्च मोड फॉर द मेन कीवर्ड शुड बी 5K, सर्च वॉल्यूम जो भी, अब जैसे मैंने ये यहाँ पे किया था सनग्लासेस, ये मेन कीवर्ड है, हो सकता है मेन ना हो पर मैं आपको एक बता रहा हूँ। ये देखें इसमें फेड्यूमा पोलराइज्ड स्पोर्ट्स सनग्लासेस फॉर मेन साइकिलिंग ड्राइविंग फिशिंग 100% यूवी अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्शन, ये है इसका लॉन्ग टेल कीवर्ड। इसमें इसने इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन भी बता दी है, जैसे कि मैन साइकिलिंग ड्राइविंग फिशिंग के दौरान भी लगाओ। अब ये कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है 100%। अब जो इसका मेन कीवर्ड वो है तो सनग्लासेस ही, बाकी इसने स्पेसिफिकेशन लगा के इसको लॉन्ग टेल कर दिया। तो जो सनग्लासेस है ना इसका मेन कीवर्ड, उसकी हीलियम 10 के सर्च वॉल्यूम के मुताबिक 5K शुड बी 5K 5000 सर्च वॉल्यूम होना चाहिए, और जो कम्पीटिंग प्रोडक्ट शुड नॉट बी मोर देन 3K फॉर 30K फॉर एनी कीवर्ड, जिसकी कंपेटिंग प्रोडक्ट्स होगी उसमें से किसी का भी 30,000 से ज्यादा ना हो, फॉर किसी भी कीवर्ड का 30,000 से सर्च वॉल्यूम ज्यादा ना हो। फिर सेलर टाइप, सेलर ये मैंने आपको बताया था FB FBM वगैरह, देयर शुड नॉट बी मोर देन 3 AMG सेलर इन द टॉप 5 में 3 से ज्यादा AMG ना हो। AMG का मतलब है जो Amazon खुद प्रोडक्ट सेल कर रहा हो। मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी, यहाँ पे भी ये देखें रेटिंग यहाँ पे भी आ रही है, इधर से नहीं है, ये अमेजोन चॉइस है, पर ये अमेजोन खुद सेल कर रहा है कि नहीं वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें ये फर्स्ट नंबर पे वो आया फुलफिलमेंट AMZ, AMZ मतलब ये चीज Amazon खुद सेल कर रहा है, बाकी अन्य आगे नॉन एप्लीकेबल, इधर भी अन्य अन्य वो AMZ, ये क्योंकि मैंने भी शिप टू पाकिस्तान निकाला हुआ है ना इसीलिए, बाकी वो मैं आगे इसको सही करूंगा। वो भी एक, ये भी AMZ फुलफिलमेंट, ये मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, ये Amazon खुद सेल कर रहा है, ये देखें फुलफिलमेंट। बाकी ये मैंने टूल्स एक्टिव किए ना इसलिए इसकी इन्फॉर्मेशन नीचे आ रही है। ये देखें फुलफिलमेंट FBA है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन कोई कर रहा है, फिर ये फुलफिलमेंट AMZ अमेजोन ये खुद सेल कर रहा है, FBA ये भी FBA। इसमें क्या है कि जो टॉप 5 उनमें से 3 से ज्यादा AMZ ना हो, अमेजोन खुद ना सेल कर रहा हो, बाकी देयर शुड बी एटलीस्ट 60% FBA सेलिंग द टॉप 10। जो हम टॉप 10 फाइनल करेंगे उसमें से मतलब 6 से कम कोई FBA ना हो, 6 से ज्यादा हो जाए तो हो जाए, बाकी वेरिएशन शुड नॉट बी मोर देन 4। वेरिएशन मतलब साइज वेरिएशन हो सकती है, कलर वेरिएशन हो सकती है, जैसे भी ये सनग्लासेस ही हैं, अब इसकी वेरिएशन इसने आगे डाली होगी ये साइड में, ये देखें ये है इसकी वेरिएशंस, ये एक ब्लू से कलर में है, एक ब्राउन से कलर में, एक मल्टी कलर है, ये क्योंकि इसका साइज सेम है तो इसके सिर्फ कलर की वेरिएशन है, बाकी अगर कोई और प्रोडक्ट जैसे कोई टी शर्ट वगैरह या शूज वगैरह ऐसे भी कोई चीज हो या कोई ग्लास वगैरह हो तो उसमें साइज की वेरिएशन होती है, स्मॉल मीडियम लार्ज ऐसे का,
उसमें साइज की वेरिएशन आ गई, इसमें कलर की वेरिएशन है क्योंकि इसका साइज सेम है। फिर शुड नॉट बी ग्लासी और एनी ब्रेकेबल मटेरियल, ये फिर इसकी शिपमेंट में मसला आता है। जब शिपमेंट होती है ना, कोई ब्रेकेबल प्रोडक्ट हो तो वो टूट भी सकती है। बाकी ये यूके मार्केट का भी तकरीबन इसमें ये तीन पाउंड से 20 पाउंड, बाकी थोड़ा बहुत इसका डिफरेंस है। बाकी ये तो सिर्फ बेसिक है। अब बाकी ये देखें डी मार्केट प्रोडक्ट, ये डी मार्केट वो जैसे यूएई, दुबई वगैरह या सऊदी अरेबिया, ये जो छोटी मार्केट्स होती हैं। बाकी यूके यूएस ये सबसे बड़ी मार्केट्स हैं इनकी। मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया, अब हम स्टेप लेते हैं अपना प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ। ये मैंने हिलियम 10 ओपन किया, डैशबोर्ड इसके टूल्स हैं, ये सेरिब्रो मैग्नेट, सेरिब्रो ब्लैक बॉक्स, ये ट्रेंडस्टर, ये ट्रेंड बताता है कि प्रोडक्ट ट्रेंड ही है कि नहीं, मतलब कि ये सीजनल है। एक सीजन कोई ट्रेंड आया, जैसे अब फीफा हुआ था तो फुटबॉल का ट्रेंड था, फुटबॉल ज्यादा सेल हुआ है, बाद में कम होगा। ट्रेंडी ये ट्रेंडी प्रोडक्ट या सीजनल प्रोडक्ट, जैसे सर्दियां हैं तो जैकेट गर्मियों में नहीं इतनी यूज होती, कोई सेल भी नहीं करता, वो सीजनल प्रोडक्ट्स होती हैं, वो ये बताता। बाकी पहला काम हमारा ब्लैक बॉक्स, ये फेवरेट्स इन्होंने पहले जो ज्यादा यूज होता है एक साइड पे दिया हुआ है। बाकी यहाँ पे भी देख रहे हैं लिस्टिंग के लिए ये सारे हैं एनालिटिक्स। बाकी हमें सिर्फ प्रोडक्ट रिसर्च करना है, तो ये ब्लैक बॉक्स यहाँ से कर ले, यहाँ से कर ले, बात आएगा। ब्लैक बॉक्स मैंने ओपन किया, अब ये देखें ब्लैक बॉक्स ओपन हो गया। तो सबसे पहले तो इसने कहा कि फाइंड प्रोडक्ट्स ऑन, सबसे पहले ये तो आपने देखना कि आपका क्लाइंट कहाँ था। ये मैंने आपको बताया था कि मैंने लोकेशन चेंज नहीं की है, डिलीवर तो पाकिस्तान ही है अभी, या आगे जिप कोड मांग रहा है। अब देखें आपका क्लाइंट कहाँ का, अगर तो यूएस का, न्यूयॉर्क जिप कोड, ये सारे ये जो न्यूयॉर्क के जिप कोड्स हैं ये सारे इसने इधर दिए, इसमें से जो भी है 1001 1001 1001 1001 और नीचे न्यूयॉर्क, इसको छोड़ो, ये इसने अभी लोड हो रहा, ये न्यूयॉर्क, ये यूएस में। बाकी अगर कैलिफोर्निया का हुआ तो उसका सर्च करके कैलिफोर्निया जिप कोड वो लगा दें, उसका फायदा ये होगा कि ये जो यहाँ पे शायद जो मैंने आपको पहले प्रोडक्ट्स दिखाई थी वो अब डिफरेंट हो। अब से ये न्यूयॉर्क आ गया, मैंने सनग्लासेस पहले सर्च किया था, अभी ये देखें साथ ही ये चेंज हो गया, फर्स्ट पे कोई और आ रही थी अब कोई और है, क्योंकि वो पाकिस्तान में डिलीवर हो रही थी और ये सिर्फ डिलीवर टू न्यूयॉर्क। अगर यूएसए का तो आपने यूएसए की प्रोडक्ट्स देखनी है वहां पे कौन सी चल रही है। तो सबसे पहले तो जब भी आपने हंटिंग करनी है ना तो ये चीज का ख्याल रखना है कि क्लाइंट कहाँ का है, वो लोकेशन उसका जिप कोड इंटरनेट से निकाल के यहाँ पे पुट कर दें आप। फिर ये देखें यहाँ पे इसके कुछ फिल्टर्स हैं, वही जो मैंने आपको यहाँ पे बताए थे। ये क्लाइंट की मर्जी से होता है, बाकी ये बेसिक है। ये प्राइस $3 to $20। ये देखें amazon.com होती है, ये देखें यूएस की,
कैटेगरी अगर तो आपको वो कुछ फाइनल करता है कि ये कैटेगरी जैसे इसकी कैटेगरी इधर आ रही होगी। अच्छा इधर नहीं, वो टूल्स में आएगी, बाकी वैसे ये कैटेगरीज की साइड पे आ रही होती हैं। ये इसका डिपार्टमेंट, वुमन एक्सेसरी, वुमन सनग्लासेस, मेन सनग्लासेस, आईवियर एक्सेसरीज, ये चीजें ये साइड पे आ रही होती हैं। बाकी अगर तो वो आपको फाइनल कुछ कहता है कि भई मुझे ये वाली कैटेगरी में चाहिए, तो आप यहाँ पे कैटेगरी मैं कह लेंगे होम डिकोर या स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में जाएंगे तो ये होम एंड किचन वगैरह, ये अगर स्पोर्ट्स रैक्स, बुक्स वगैरह, टूल्स, अगर तो आपको फाइनल करता तो आप बेबी प्रोडक्ट्स क्या देता आपको, बेबी प्रोडक्ट्स बेबी प्रोडक्ट्स ये आ गया। सिलेक्ट ऑल करना तो हर कैटेगरी जो भी, मैं अभी ऑल कैटेगरी कर रहा हूँ, ये मेरी सारी वो देखें 2027+29-30 कैटेगरी में सारी सिलेक्ट हो गई हैं। अगर तो कुछ एप्लीएंस आर्ट्स क्राफ्ट अगर तो वो किसी चीज़ में फाइनल करता है तो आपने जैसे मैंने बेबी प्रोडक्ट आपको दिखाया था, होम डेकोर आ जाता है, किचन फर्निश आ जाता है, आपने वो इधर डाल दिया, मैंने अभी ऑल की है। फिर कंपेटिटर्स, सिलेक्ट ऑल कैटेगरीज, अभी आपको मैं सिंपल बता रहा हूँ, बाद में एडवांस बताऊंगा। ये ऑल मैंने कर लिया, डैड नीड्स इम्प्रूवमेंट रेंज ऑल लिटल कर दें, वेयर कंपटीशन इज कंपटीशन आप मीडियम कर लें, आई वांट टू सेल माय प्रोडक्ट फॉर, इधर आपने अपनी प्राइस रेंज बतानी है, $30 विद द मंथली ऑफ रिवेन्यू, रिवेन्यू मैंने इधर आपको बताया था 5K, 5। चलो अभी मैं आपको समझाने के लिए चेक कर रहा हूँ, ले जाइए इधर इसने प्रोडक्ट्स हमें दिखा दिए हैं, मैंने सिलेक्ट ऑल कैटेगरी दिया था, ये देखें ये टी शर्ट आ रही है, ये वेडिंग का कुछ आ रहा है, ये पॉपकॉर्न, ये स्लीव ओपन फ्रंट, ये कोई कोट टाइप है, ये हर कैटेगरी का दिखा रहा है। अभी मैं आपको ये चीजें सिर्फ बता रहा हूँ ऊपर वाली, ये कैटेगरी क्लोथिंग, होम एंड किचन, ग्रोसरी, क्लोथिंग शू एंड क्लोथिंग शूज एंड एंकल्स, ये इसकी कैटेगरी, और BSR बेस्ट सेलिंग रैंक, ये इसका बेस्ट सेलिंग रैंक, ये सब कैटेगरी, कैटेगरी ये है सब कैटेगरी मैन है, ये इसकी कैटेगरी होम एंड किचन है, सब कैटेगरी डेकोरेटिव बॉल्स है, ये BSR का मतलब होता है बेस्ट सेलिंग रैंक, मतलब सेलिंग रैंक फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, और ये अभी देखें कौन से रैंक पे है, ये देखें अगर हम इसको यहाँ से ऐसे करेंगे तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग में कन्वर्ट कर देगा। अभी ये देखें ये देखें ये सबसे 143वें नंबर पर है प्रोडक्ट, ये किसी कैटेगरी में नहीं है, ये जो अमेजोन पे सेल हो रही है ना जितने भी प्रोडक्ट्स उसमें इसका बेस्ट सेलिंग रैंक 143 है, बहुत हाई प्रोडक्ट होगी इसका 184 है, क्योंकि मैंने अभी कोई कैटेगरी नहीं गई इसलिए इसकी सर्च ज्यादा आ रही है, ये सिर्फ मैं आपको अभी ऊपर वाली चीजें बता रहा हूँ। इसकी प्राइस $9, ये $0.01, ये 17, बाकी मंथली सेल्स 56 है, ये देखें इसने कहा कि ये नीचे को मतलब इसकी सेल्स कम हुई है, इसकी 132 है, इसकी भी कम हो रही है, ये 23% इसकी कम हुई है, ये मंथली सेल्स आ गई, मंथली रेवेन्यू $503, ये मुझे लगता है अभी नई लिस्ट हुई होगी। फिर रिव्यूज 4.2, 3.5, फिर सेलर, सेलर की इंफॉर्मेशन है सारी, ब्रांड कौन सा, लास्ट ईयर सेल्स, पिछले साल कितनी सेल की थी, शिपिंग डिटेल, इसने शिप कहाँ से किया, कुछ नहीं, ये देखें इसमें इसने डाली हुई है इसकी डिमेंशन वगैरह, इसने नहीं डाली हुई है, ये इसका साइज क्या है, इसने नहीं, वेट है 0.03, 0.5 ये पाउंड्स में है, इसको भी सेंडिंग डिजाइनिंग करने ऊपर नीचे हो जाएगा, स्टोरेज फी वो उनके बेस्ट सेल्स पीरियड, कि इसकी सबसे ज़्यादा सेल्स मार्च 2021 में हुई थी, इसकी फरवरी 22 में हुई थी,
एज मंथ 48 मंथ। ये होता है कि इसने अगर कह लो कि पहले महीने 2021 के जनवरी में इसको लिस्ट किया था, तो जनवरी 2021 2022 और 2023 इसको 2 साल हो जाने थे, 24 महीने, इसको 48 महीने हो गई। इसने काफी पुरानी प्रोडक्ट चल रही है इसकी। इमेजेस एक ये नंबर ऑफ इमेजेस, वेरिएशन काउंट, इसकी वेरिएशन कोई भी नहीं है, इसलिए इसने 3 दी हुई है। कुछ साइज में या कलर में इसका डिफरेंस होगा, वो मैंने आपको पहले बताया था वेरिएशन क्या होता है। फिर इसका 5 है। फिर सेल्स टू रिव्यूज 0.9 इसकी सेल्स टू रिव्यूज, मतलब कि किसी कस्टमर ने क्वेश्चन किया, अगर एक ने क्वेश्चन किया, आंसर मिला, उसने प्रोडक्ट बाय कर ली, तो ये 1 होगा। वो देखें, मुझे लगता है 5-6 बंदों ने क्वेश्चन किया, तो उसमें से किसी एक ने लिए। इसका ये है, अगर भी मैं सिर्फ आपको इसकी ऊपर वाली चीज़ें बता रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा। ब्लैक बॉक्स दोबारा ओपन किया, तो सिंपल में मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा बताया था, मैं आपको इसका एडवांस लेवल बता रहा हूँ। एडवांस लेवल में इसने बहुत सारे फिल्टर दिए हुए हैं, बट हमने इसमें से सिर्फ वही पुट करने हैं जो हमारे मतलब के होंगे। फाइंड प्रोडक्ट्स ऑन amazon.com USA, कनाडा, मैक्सिको, इटली, फ्रांस, यूके वगैरह, जहाँ का क्लाइंट है, ये चीज़ आपने यहाँ पे लाजमी पुट करनी है, नहीं तो रिजल्ट जो है वो सही नहीं आएंगे। ये पहले मैं .com, क्योंकि मैं US मार्केट का, ये देखें, ये US मार्केट है, तो इसलिए US मार्केट क्राइटेरिया मैं इधर पुट करूंगा। इधर सिर्फ आपने वो देखना कि क्राइटेरिया में जो जो चीजें आई थी वो पुट करनी है, बाकी आपने छोड़ देनी है। तो सबसे पहले कैटेगरी, कैटेगरी आप बेबी प्रोडक्ट्स कर लें। अगर तो आपको बताएगा कोई भी क्लाइंट जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, तो आपने वो पुट करनी है, नहीं ये इलेक्ट्रॉनिक्स, होम किचन, हर तरह के इंडस्ट्रियल साइंटिफिक, जो मर्जी मैंने बेबी प्रोडक्ट्स ऐड की हैं। नंबर ऑफ सेलर्स देखें, इधर नहीं था हमारे क्राइटेरिया में, नंबर ऑफ सेलर नहीं डालना। सेल्स, अब इसकी प्राइस क्या होगी, मिनिमम उधर लिखा होगा 3, ये वेरी कर सकता है, पर मैं वो क्राइटेरिया सिर्फ पुट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, 3 मिनिमम, 20 मैक्सिमम। रिव्यूज काउंट, ये देखें इधर रिव्यूज लिखे हुए थे 4-5 सेलर 1K प्लस रिव्यूज, हम रिव्यू काउंट हम 1000 से ज्यादा, मैक्सिमम 1000 लगा देते हैं, मिनिमम बस ठीक है। मंथली रेवेन्यू उधर आता 5000 मैक्सिमम, मिनिमम था मैक्सिमम था, रिवेन्यू शुड हैव एटलीस्ट, तो मिनिमम रिवेन्यू 5000। फिर रिव्यूज रेटिंग मिनिमम थी 4.5, और हाइयर, तो मिनिमम हम 4.5 लगा रहे हैं। बेस्ट सेलर रैंक नहीं दिया था, इसको छोड़ दें, मंथली रिवेन्यू दिया था वो मैंने पुट कर दिया, सेल्स वगैरह ये कुछ भी नहीं दिया हुआ था, बाकी फुलफिलमेंट छोड़ दें, नहीं था नंबर ऑफ इमेजेस, ये सारी एडवांस लेवल पे ना, इसलिए बहुत एक्स्ट्रा इन्होंने मांगी है। बस जो जो क्राइटेरिया में है इधर देखें वो है, इसको पुट करें बस, बाकी उसको सर्च पे जाएं, आपका आगे ये देखें निकालना शुरू कर देगा। अब ये इसका वही, अब आपने अगर इसको अमेजोन में ओपन करना है, सिंपली यहाँ क्लिक करेंगे, प्रोडक्ट आपको अच्छी लगी है देखने के लिए, ये इसने निकाल दिया। ये देखें सानिया थैंक्स गिविंग बास्केट फॉर बास्केट लार्ज फोल्डेबल स्टोरेज बास्केट हैं, अब ये कोई थैला टाइप है जो हम इधर कहते हैं। तो ये देखें इसने इसकी साथ ही कीवर्ड्स में स्पेसिफिकेशन डाल के लॉन्ग टेल कीवर्ड किया हुआ है। कोई भी चीज़ उधर से देखनी है आपने इधर क्लिक करें, ये ऊपर कैरो आ रहा है, ऊपर ओपन हो जाएगी न्यू टाइम में, इधर भी सारी वही चीज़ें हैं। अब ये तो मैंने आपको पुट करना सिखा दिया, बाकी ये जो सही फाइनल प्रोडक्ट फाइंड करनी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज में बताऊंगा।